40,000 फीट की ऊंचाई पर तेज रफ्तार से एयरक्राफ्ट उड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक वो एक ही जगह पर रुक गया। घटना से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ का दोस्त बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि एलियंस का हाथ था। इस घटना ने CIA के चीफ की सोच भी हमेशा के लिए बदल डाली कि एलियंस मौजूद हैं और उनसे इंसान दोस्ती कर सकता है। ये बात अब तक अमेरिका ने छुपा कर रखी थी, लेकिन अब उसी CIA चीफ ने खुलेआम स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर जेम्स वुल्से ने दुनिया में एलियंस को लेकर ये बड़ा दावा किया है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक रुक गया प्लेन, CIA के एक्स डायरेक्टर का दावा, एलियंस का था हाथ। दोस्तों, खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर जेम्स वुल्से ने पहले कभी एलियंस में यकीन नहीं किया था, लेकिन जब खुद उनके दोस्त के साथ ये घटना हुई तो उनकी सोच बदल गई, क्योंकि 40,000 फुट की ऊंचाई पर उनके एक दोस्त का विमान अचानक रुक गया था और इसके पीछे कोई कारण जिम्मेदार नहीं था, बल्कि एलियंस की मौजूदगी ही जिम्मेदार थी। अब जेम्स मान रहे हैं कि एलियंस धरती और अंतरिक्ष में मौजूद हैं और हम उनसे दोस्ती कर सकते हैं। जेम्स साल 1993 से लेकर 1995 तक CIA के डायरेक्टर रह चुके हैं। जेम्स ने कहा कि पिछले कई सालों में उन्होंने हवा में कई रहस्यमयी चीजों के बारे में सुना है। इसमें एयरक्राफ्ट जैसी चीज के बारे में बताया गया है। इससे पहले CIA के कई पूर्व डायरेक्टर्स ने भी एलियंस की संभावनाओं की ओर इशारा किया था। इतना ही नहीं, इसराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हैम इशेद ने दावा किया था कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं और उनका अमेरिका और इसराइल के साथ संपर्क भी था। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इशेद ने यह भी दावा किया कि एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए छिपाकर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। करीब 30 साल तक इसराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम को संभालने वाले हैम इशेद ने कहा कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। एलियंस पर US खुफिया विभाग का खुलासा। दोस्तों, वैसे तो धरती पर एलियंस के यान यानी UFO को देखे जाने का दावा किया गया, लेकिन कुछ वक्त पहले इस मामले में अमेरिका के पूर्व नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने बड़ा खुलासा किया था। रेडक्लिफ के मुताबिक कोई माने या ना माने, लेकिन UFO को कई बार पृथ्वी पर देखा गया है। इससे जुड़े कुछ दस्तावेजों को पेंटागन सार्वजनिक करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए 1 जून तक की डेडलाइन है। वैसे अमेरिकी सेना और पेंटागन के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उनकी ओर से विचित्र घटनाओं के फोटो और वीडियो जारी किए जा चुके हैं। हालांकि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की लंबी प्रक्रिया है। अमेरिकी नौसेना ने 20 अप्रैल 2020 को 3 वीडियो जारी किए थे, जिसमें एक अज्ञात विमान यानी UFO तेजी से उड़ता दिखा। कुछ ही देर बाद वो ध्वनि की रफ्तार से तेज हो गया। आमतौर पर जब कोई लड़ाकू विमान ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ता है तो उसे सोनिक बूम कहते हैं। इस दौरान एक तेज आवाज होती है, लेकिन UFO ने जब सुपर सोनिक रफ्तार पकड़ी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब विमान ने अचानक तेज उड़ान भरी तो इससे पायलट भी घबरा गए थे। उनके मन में एक ही सवाल था कि आखिर बिना सोनिक बूम कोई विमान इतना तेज कैसे उड़ सकता है। मौजूदा वक्त में दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा विमान नहीं है। क्या एलियंस धरती पर कब्जा कर लेंगे? स्टीफन हॉकिंग ने क्यों दी थी ऐसी चेतावनी? प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी मौत से पहले भविष्यवाणी की थी कि ब्रह्मांड में हमसे भी उन्नत कोई सभ्यता मौजूद है। उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर ऐसे ग्रह के एलियंस कभी पृथ्वी पर आ गए तो हमला करके पृथ्वीवासियों को गुलाम बना सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने खुद एलियंस से संपर्क साधने के कई प्रयोग किए। उन्होंने बड़े बड़े यंत्रों के जरिए अंतरिक्ष में सिग्नल भेजने शुरू किए ताकि अगर ब्रह्मांड में कहीं कोई उन्नत सभ्यता हो तो वो सिग्नल को कैच करे और इसका जवाब दे। इसके लिए कुछ संकेत नुमा फ्रिक्वेंसी उपकरणों के माध्यम से अंतरिक्ष में फेंकी जा रही थी। हालांकि इसके आलोचक भी हैं जो इसे खतरनाक बताते हैं, आगाह करते हैं कि ऐसा करने से हम एलियंस को आमंत्रित कर खुद आफत बुलाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका सहित कई जगहों पर बड़ी बड़ी टेलीस्कोप लगाई गई थी और उनसे सिग्नल भेजे जाते थे। $100 मिलियन के इस प्रोजेक्ट में लगे वैज्ञानिकों ने दावा भी किया था कि उन्होंने बाहरी दुनिया से आ रहे कुछ संकेतों को पकड़ा भी है। हॉकिंग को आशंका थी कि साल 2100 के खत्म होते होते धरती पर मानव प्रजाति के सामने दुश्वारियां आने लगेंगी, जीवन मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा हमें दूसरे ग्रहों पर मानव कॉलोनियां बनाने के बारे में जुट जाना चाहिए। पहली बार ये बात कही तो उनका भी मजाक उड़ा,
लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया उनकी बातों से सहमत होने लगी। धरती पर हो रहे बदलाव ये संकेत देने लगे हैं कि आने वाले बरसों के साथ इंसान का जीवन यहाँ मुश्किल में पड़ने लगेगा। स्टीफन ने कई साल पहले जो वजहें गिनाई थी वो अब सच हो रही हैं। माना जा रहा है कि अगले 50 सालों बाद धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। साल 2100 तक आते आते कृषि को बचा कर रख पाना मुश्किल हो जाएगा। धरती से पानी का लोप होने लगेगा। ऐसी स्थिति में हमें वैकल्पिक साधनों की ओर देखना होगा।